तो घाटी से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच रविवार की सुबह से ही मुठभेड़ जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के देवसर के चेरन में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच ऑपरेशन चल रहा है। कुलगाम एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 2 से 3 आतंकी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर लिया है। चेरन में सुबह से ही दोनों तरफ से फायरिंग भी हो रही है। सुरक्षा बलों की ओर से आतंकियों को करारा जवाब भी दिया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जनतंत्र टीवी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ देखी जा रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया है। 2 से 3 आतंकी जो है अभी भी छिपे हुए हैं, आशंकाएं जताई जा रही हैं। पिछले 2 घंटे से लगातार दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अपडेट आपको दे रहे हैं। बिल्कुल, हम इस टाइम देवसर कुलगाम में मौजूद है, जहाँ पे 9RR CRPF और SOG कुलगाम को एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि इलाके देवसर में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। जो ही जो फौज है वो सस्पेक्टेड सुपार की ओर चली गई, तो छुपे हुए मिलिटेंटों ने वहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुन गोलियां चलाई और एक मुठभेड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता दूँ, सूत्र के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि 2 से लेकर 3 मिलिटेंट अंदर फंसे हुए हैं, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF और आर्मी के जवान तैनात है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से यहाँ पे सुरक्षा बल के जवानों ने तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे CRPF के जवान तैनात है, जो जिन्होंने अभी पूरे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को फिलहाल सील कर दिया गया है। हालांकि ये कहना अभी मुश्किल होगा, क्या ये रेजिडेंशियल हाउस मकान में जो है एनकाउंटर चल रहा है क्या या ओपन फील्ड में, ये अभी कहना मुश्किल होगा। ग्राउंड जीरो से शाह जुनैद, कुलगाम कश्मीर। तो सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकियों को घेर रखा है। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर ब्यूरो चीफ ज्योति पशुनंदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति, लगातार देखिए खबर सामने आ रही है कि सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ से पिछले 2 घंटे से फायरिंग जारी है। क्या कुछ और जानकारी सामने निकल कर आ रही है, विस्तार से जानकारी चाहेंगे? हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट दी कि चैन देवसार में कुलगाम में कुछ मिलिटेंट्स हाइड कर रहे हैं, अपने आप में छिपे हुए हैं, तो लिहाजा उन्होंने पूरे एरिए को वहां पहुंचकर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन जैसे ही मिलिटेंट्स को इनपुट मिली कि वो गिर चुके हैं, उन्होंने हमारे कॉर्डन को ब्रेक करने के लिए अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी, जिसके रिटेलिएशन में हमारे जवानों ने भी फायरिंग की। लेकिन इन्होंने एज पर उनको एक सरेंडर करने का मौका दिया, उनसे अपील की कि आप सरेंडर कर सकते हो, लेकिन उन्होंने इसको इस ऑफर को इस अपील को नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी। कुछ देर के लिए थोड़ा देर के लिए साइलेंस रहा दोनों में, लेकिन जब उन्होंने अपील को सरेंडर की अपील को घबरा दिया और फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजतन हमारे जवानों ने भी फायरिंग शुरू कर दी है। और यही बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं, जिनकी संख्या 2 से 3 हो सकती है। और जैश ए मोहम्मद के जो मिलिटेंट्स होते हैं वो ज्यादातर विदेशी मूल के होते हैं, वही यहाँ से आकर हमारे स्थानीय युवकों को भी गुमराह कर उनका ब्रेन वॉश कर अपने साथ मिलाते हैं। इनका पूरा मॉड्यूल मेला बना होता है, ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं जो इन लोगों को अपने साथ मिलाते हैं। तो भी यही अनुमानता यही है कि 2 से 3 जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट ट्रैप किए गए हैं। दोनों तरफ से किसी के भी मारे जाने के अभी कोई इनपुट नहीं है, फायरिंग दोनों तरफ से चल रही है। जिसमें भी विलेज के एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है, ताकि आतंकवादी कहीं भी निकल भागने में कामयाब ना हो सके। जी ज्योति, बताया जा रहा है कि काफी समय से दोनों इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी है, सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ भी जारी है। कितने समय से सुरक्षा ये इलाके में सर्च ऑपरेशन चालू है? अभी रात को ही ये इनपुट थी कि मिलिटेंट्स है, तो लिहाजा आप देखिए लगभग 3 बजे के लगभग ये पूरा एरिया कॉर्डन कर ले गया था और मुठभेड़ शुरू भी हो गई थी। मिलिटेंट से कॉन्टेक्ट भी एस्टेब्लिश हो चुके थे। ये रात को 3 बजे का समय था, गहन अंधेरा था,
फिर भी हमारे फोर्सेस को देखिए किस तरह ये कहीं भी जब भी कोई इस तरह की इनपुट होती है तो देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हुए ये हमेशा वहां पहुंचते हैं और इन्होंने अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए रात को 3 बजे से ही सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन भी शुरू किया, फायरिंग भी जेली क्योंकि आतंकवादियों ने हमारा कॉर्डन ब्रेक करने के लिए फायरिंग की थी लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाए और फिलहाल अभी तक दोहे के 9 बज चुके हुए हैं और फिर भी ऑपरेशन जारी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना लंबे समय हो गया है इस ऑपरेशन में, रात के अंधेरे में इस तरह की एक्टिविटी थोड़ी टफ हो जाती है क्योंकि अभी हमें शायद ये नहीं पता कि ये रेजिडेंशियल एरिया में है या कहाँ चिपे हैं, लेकिन जहाँ भी इंकाउंटर हो रहा है तो सिक्योरिटी फोर्सेज की ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि लोकल्स को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई और वहां ना फंसा हो। तो ये काफी चैलेंजेस रहते हैं हमारी फोर्सेज के लिए कि जिनको वो पूरी तरह से अंजाम भी देते हैं और अपनी जिम्मेवारियां भी निभाते हैं। जी ज्योति, इस तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।